हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को एंड नेवर मिस। कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अब देखो हमने पहली वाली वीडियो में चार एग्जांपल कर लिए थे। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हम लोग कौन से चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 15 कर रहे हैं। हमने यहाँ से अपने 9th क्लास स्टार्ट की है, क्योंकि ये एक सिंपल चैप्टर है, इसीलिए मैंने चैप्टर 15 को यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 5 को देखते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहे हैं? द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन शो दैट आउट ऑफ पास्ट 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज इट्स वेदर फॉरकास्ट वर्क करेक्ट 175 टाइम्स। यानी कि एक वेदर स्टेशन है जो अपने रिकॉर्ड्स यानी कि अपने जो डेटा को देता है और 250 दिन का यानी कि 250 डेज का जो है आपको डेटा यहाँ पर दे रखा है, जिसमें से 175 टाइम्स तो वो क्या था, सही था जो उन्होंने बताया। जैसे होता है ना कि वेदर वाले बताते हैं कि आज बरसात होगी कि नहीं होगी, आज रेन होना है कि नहीं होना है, आज धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, अपना फॉरकास्ट करते रहते हैं। तो 250 डेज का अगर हमने एक डेटा लिया तो उसमें से 175 टाइम्स वो क्या था, सही था। आगे क्या बोला गया? वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वॉज करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि करेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, और उसके जो डेटा जो उसने दिया उसके करेक्ट न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, द फॉरकास्ट वॉज करेक्ट ऑन अ गिवन डे इज इक्वल टू कितना था, टोटल आउटकम्स 250 अपॉन फेवरेबल आउटकम्स 175। जब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो 7/10 और इसकी वैल्यू निकल के 0.7। ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स पढ़ चुके हैं। सेकंड वाला देखते हैं, द फॉरकास्ट वॉज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, कितनी बार करेक्ट नहीं था। अब हमने खुद देखा 250 टाइम्स का उसका डेटा था जिसमें 175 टाइम्स वो करेक्ट था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 75 टाइम्स वो क्या था, करेक्ट नहीं था। ओके, तो यहाँ पर हमने यही लिखा इज इक्वल टू 75 अपॉन में 250, और जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो 3/10 इज इक्वल टू 0.3, ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब आता है अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6। अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक रिकॉर्ड रखा है जिसमें टायर रिप्लेस होता है, टायर को रिप्लेस किया जाता है जितनी वो दूरी चलता है। डिस्टेंस कवर्ड बिफोर दे नीडेड टू बी रिप्लेस्ड, मतलब कोई नया टायर अगर उसमें लगाया तो उसे कितने डिस्टेंस उसने कवर कर लिया उसके बाद उसे रिप्लेस किया गया। द टेबल शो द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस, 1000 केसेस लेते हैं और उनके रिजल्ट देख रखे हैं। तो देखा हमने कि जो डिस्टेंस था अगर वो चार हज़ार से कम था तो ऐसे टायर चेंज हुए थे 20, 4000 से 9000 के बीच में की जो डिस्टेंस को कवर किया था ऐसे थे 210, 9000 यानी कि 9001 से 14000 तक इतना डिस्टेंस जो कवर किया वो थे 325, इतने टायर थे। और मोर देन 14000 यानी कि 14000 से ज़्यादा चलने वाले जो टायर थे वो थे 445। समझ में आ गया? पहले देखो ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनका आंसर जो होते हैं सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यहाँ पर क्या था, ये जो टायर दे रखे हैं कितनी कितनी दूरी चले, कितना कितना डिस्टेंस कवर किया, 4000 से कम जो डिस्टेंस कवर करने वाले 20 टायर थे, 4 से 9000 के बीच का कवर करने वाले 210 थे, 9000 से 14000 के बीच वाले 325 थे, और 14000 यानी कि 14000 मोर देन 14000 यानी कि 14000 से अधिक चलने वाले 445 थे। आगे क्या लिखा है, इफ यू बाय अ टायर ऑफ द कंपनी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अगर आप कोई कंपनी का टायर खरीदते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर, कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो 4000 किलोमीटर चलने से पहले ही क्या हो जाए, रिप्लेस होगा।
तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, टोटल कितने थे 1000 केस और 4000 से कम लेस देन 4000 कितने थे 20, तो क्या लिखा हमने 20/1000, कितना आंसर आया 0.02। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है, इट विल लास्ट मोर देन 9000, 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलने वाले, तो देखो 9 से 14 वाले 325, एक तो ये हो जाएगा, और मोर देन 14000 ये भी कितना हो जाएगा 445 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इट विल लास्ट मोर देन 9000, 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलने वाले, तो ये वाले भी चलेंगे और ये वाले भी चलेंगे, दोनों चलेंगे, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या था 325 + 445/1000 इज इक्वल टू 770/1000 इज इक्वल टू 0.77। अगला क्वेश्चन देखो, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर टू 14000 किलोमीटर, यानी कि 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच में चलने कितने टायर हैं जो रिप्लेस हुए हैं इन डिस्टेंस के बीच में, तब आप देखो 4000 कहाँ पर है यहाँ और 14000 यहाँ, यानी कि ये दोनों 210 वाला भी आएगा और 325 वाला भी आएगा, 210 और 325 ये दोनों आएंगे, इन्हीं के बीच में यही चले हैं, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 210 + 325/1000 यानी कि इसका आंसर आया 535/1000 0.535। आ गया समझ में आपको, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखो 7, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेंड बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो, एक मंथली यूनिट टेस्ट हो रहा है और उसमें स्टूडेंट के द्वारा कितने मार्क्स मिल, कितने मार्क्स मतलब कि कितना परसेंटेज गेट किया गया वो देखते हैं। पहले यूनिट टेस्ट हुआ, यूनिट टेस्ट है और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेंड, पहले यूनिट टेस्ट में उसको 69% मिले, सेकंड में 71, थर्ड में 73, फोर्थ में 68 और फाइव में 74। आगे क्या लिख रहा है, बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट, तो 70% से ज़्यादा मार्क्स यूनिट टेस्ट में गेट किए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आप देखोगे तो देखो एक तो ये वाला यूनिट टेस्ट, एक ये वाला यूनिट टेस्ट और एक ये वाला यूनिट टेस्ट, इसमें 70% से ज़्यादा मार्क्स गेट की, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी मोर देन 70% मार्क्स। अब देखो टोटल यूनिट टेस्ट कितने थे 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, तीन में ही आपने 70% से ज़्यादा मार्क्स गेट किए, तो 3/5 आंसर आया 0.6। ओके अब देखो एग्जांपल 8 को देखोगे, एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ वन ड्राइवर ओवर अनदर इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट्स, ठीक है। द डेटा ऑप्टेंड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ओके। अब देखो इसमें क्या बोला गया कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 2000 ड्राइवर्स जो हैं उनको सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, और उनका एज और उनके एक्सीडेंट का जो रिलेशनशिप है उसको एक डेटा के थ्रू दिखाया गया है, एज ऑफ ड्राइवर और एक्सीडेंट इन अ वन ईयर, ठीक है, एक्सीडेंट इन अ वन ईयर एक साल में। अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा एज ऑफ ड्राइवर्स इन अ ईयर 18 से 29 साल वाले जो थे वो 0 ईयर्स में 440, एक साल में 160, दो में 110, तीन में 61 और ओवर 3 35, ठीक है, यहाँ पर दिया गया 30 से 50 वाले केस में। तो इसमें क्या बोला गया, ये जो ड्राइवर्स हैं ये तो इनके क्या दे रखे हैं, एज दे रखे हैं कि 18 से 29 साल वाले जो व्यक्ति हैं और एक साल में जो एक्सीडेंट किए हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं करने वाले 440 व्यक्ति थे, एक एक्सीडेंट करने वाला 160, दो एक्सीडेंट करने वाले 110, तीन एक्सीडेंट करने वाले 61 और तीन से ज़्यादा करने वाले 35। ओके समझ में आ गया, एक ये डेटा दे रखा है एक साल का पूरा, 30 से 50 साल के बीच के जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने एक साल में जो बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं किया वो 505 इतने ड्राइवर थे,
एक एक्सीडेंट करने वाले 125 ड्राइवर थे, दो एक्सीडेंट करने वाले 60 ड्राइवर थे, तीन एक्सीडेंट करने वाले 22 ड्राइवर थे और तीन से ज़्यादा करने वाले 18, और 50 से ऊपर वाले जो हैं उन्होंने जो बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं किया वो 360 ड्राइवर, एक एक्सीडेंट 45, दो एक्सीडेंट 35, तीन एक्सीडेंट 15 और तीन से ज़्यादा वाले 9। अब क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी बीइंग 18 to 29 ईयर्स ऑफ एज हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इन 1 ईयर। 18 से 29 साल वाले वो ड्राइवर्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिन्होंने 3 एक्सीडेंट किए, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, टोटल ड्राइवर थे 2000 और 18 से 29 में एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट करने वाले कितने ड्राइवर थे, 61, तो 61/2000। ओके, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 0.0305। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बीइंग 30 से 50 ईयर्स ऑफ एज हैविंग 1 or more than एक्सीडेंट इन अ ईयर, 30 से 50 साल वाले वो ड्राइवर जिन्होंने एक या एक से ज़्यादा 1 or more एक्सीडेंट इन अ ईयर, एक या एक से ज़्यादा एक्सीडेंट किए हैं। तो देखो एक से ज़्यादा एक्सीडेंट करने वाले कौन कौन से हैं, 125 भी हैं, 60 भी हैं, 22 भी हैं और 18 भी हैं। तो देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, इन सबको जोड़ दिया अपॉन में 2000, ये निकाला 225/2000, आंसर हो गया 0.1125। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, ऐसे ड्राइवर्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिन्होंने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया, यहाँ एज ग्रुप की बात नहीं की गई है। तो देखो 18 से 29 साल वाले 440 हैं, 30 से 50 वाले 505 हैं और 50 से ज़्यादा वाले 360 हैं। ठीक है, तो अब अगर देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 440 + 505 + 360/2000 टोटल 1305/2000 0.653। यानी कि ऐसे ड्राइवर्स जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया उनकी प्रोबेबिलिटी 0.653 है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल 9, कंसीडर द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेबल 14.3 एग्जाम्पल 4 चैप्टर 14 विच गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्पल का, जो एग्जाम्पल 9 इसमें बोला गया कि टेबल 14.3 में जो एग्जाम्पल 4 है, कौन सी वाले चैप्टर में, चैप्टर 14 में, उनमें 38 स्टूडेंट का वेट दे रखा है आपको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास लाई इन द इंटरवल 46 से 50 kg। जो ऐसे स्टूडेंट जिनका वेट 46 से 50 के बीच में, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और गिव टू इवेंट्स इन दिस कंटेक्स्ट, दो एग्जाम्पल देने जिसमें वन हैविंग प्रोबेबिलिटी जीरो, जिसमें प्रोबेबिलिटी जीरो हो, एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी वन, और दूसरे केस में प्रोबेबिलिटी वन हो। तो देखो जो टेबल दे रखी है वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया, यहाँ पर वेट दे रखे थे और यह नंबर ऑफ स्टूडेंट, 31 से 35 के बीच में 9 स्टूडेंट हैं, 36 से 40 के बीच में जिनका वेट है वो 5 हैं, 41 से 45 के बीच में 14 है, इस तरीके से टेबल दे रखी है, टोटल यहाँ 38 है। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पहले उसने क्या बोला, पहला क्वेश्चन क्या था इसमें, देखो यहाँ पर ध्यान से, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास लाई इन द इंटरवल 46 से 50। तो देखो 46 से 50, अब 46 से 50 में कितने हैं, 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 3/38, 0.079। सेकंड, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, उसने बोलता है द प्रोबेबिलिटी गिव टू इवेंट्स इन दिस कंटेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी जीरो एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी वन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा दो ऐसे एग्जाम्पल देना जिसमें प्रोबेबिलिटी या तो जीरो हो या वन हो। ओके, तो देखो प्रोबेबिलिटी जीरो कब हो सकती है, कंसीडर द इवेंट दैट द स्टूडेंट वेट 30 kg। अगर हम कहें कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका वेट 30 kg हो, अगर आप देखो तो यहाँ स्टार्टिंग ही 31 से हो रही है, 30 तो किसी का है ही नहीं, तो इसका मतलब ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो, सिंस नो स्टूडेंट्स हैज दिस वेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, जीरो।
प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स वेट मोर देन 30 kg, और ऐसे स्टूडेंट जिनका वेट 30 kg से ज़्यादा हो। तो यहाँ देखो सबका वेट जो है वो 30 kg से क्या है, ज़्यादा है। टोटल 38 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 38/38 इज इक्वल टू 1। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 10। 50 सीट्स वर सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीट्स एंड वर केप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन फेवरेबल टू जर्मिनेशन। 50 सीट्स हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं 5 बैग में, ठीक है, हर बैग में 50-50 सीट्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर कंडीशन में जर्मिनेशन होने के लिए रख दिया गया। आफ्टर 20 डेज द नंबर ऑफ सीट्स विच हैड जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड एज फॉलो। हर बैग में कितने सीट्स जर्मिनेट हुए हैं उनके बारे में बताया गया। पहले बैग में 40, दूसरे में 48 हो गए, तीसरे में 42 जर्मिनेट हो गए, ये सब किस में से, 50 में से हो गए, ठीक है, सब में 50-50 रखे गए थे सीट्स, और यहाँ पर 39 और पांचवे में 41। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीट्स इन अ बैग, ठीक है, तो 40 सीट्स जो है वो जर्मिनेट हो गए 40 से ज़्यादा, तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी। टोटल कितने हैं देखो, इसमें 40 से ज़्यादा है, इसमें 40 से ज़्यादा है, इसमें, यानी कि 3 बैग है जिनमें 40 से ज़्यादा जो सीट्स हैं वो जर्मिनेट हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/5। टोटल तो 5 बैग हैं, 3/5 इज इक्वल टू 0.6। दूसरा केस में क्या बोल रहा है, 49 सीट्स इन अ बैग, किसी बैग में 49 सीट्स जर्मिनेट हुए हों। तो देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो कोई भी बैग नहीं है, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0/5 इज इक्वल टू 0। मोर दैट 35 सीट्स इन अ बैग, 35 से ज़्यादा सीट्स जर्मिनेट हुए हों, इसमें भी हुए हैं, इसमें भी हुए हैं, इसमें भी हुए हैं, इसमें भी हुए हैं, और इसमें भी हुए हैं, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 5/5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से आपके इस चैप्टर के एग्जाम्पल होते हैं खत्म। इसके बाद अब हम जो करेंगे अगली वीडियो में वो करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, और अपने फ्रेंड्स के साथ में से शेयर करो, ठीक है, थैंक यू।